नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन ग्राम भदरौली भदरौली में आए हुए हैं और सभी किसानों का यहाँ स्वागत किया जाता है। मैं प्रभु गोपाल एग्री प्रोडक्ट कंपनी से, और यहाँ पर सभी किसान आए हुए हैं और गेहूँ लगा हुआ है हमारा प्रभु 503। सभी किसान आए हुए किसानों का स्वागत वंदन अभिनंदन। और ये भैया हमारे हैं, पुनीत पूछते राव हैं का गेहूँ से, गेहूँ के बारे में, कौन सी वैरायटी है, कैसे क्या लगाया इन्होंने। नाम बताओ अपना। पुनीत राम गौड़, ग्राम भदरौली, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ठीक, कौन सी वैरायटी लगाई है। जी हमने प्रभु 503 कंपनी के वैरायटी वो लगाई हुई है। पास वाले खेत जो दिख रहे हैं और इनमें आपको क्या अंतर दिख रहा है, थोड़ा सा हमारे खेतों में बहुत फर्क है। क्या फर्क दिख रहा है आपको थोड़ा सा। हमारी जो बाली का अंतर है उसमें कम से कम नॉर्मल दाने, हमारे में अच्छे दाने हुए हैं बाली में, आपकी बाली में 70-75 दाने हैं, उनमें कितने हैं, उनमें तो 20-25 करीब होंगे उनके में तो। इतना फर्क हो गया। जी हाँ, तो ये वैरायटी का अंतर है या खेत का अंतर है। नहीं, वैरायटी का अंतर है, खेत का प्रभु अंतर नहीं। 503 का जो अंतर है हाँ वो वही दिख रहा है अंतर, अपन लोगों को आज। वही अंतर है। तो आगे जो किसान अपने आए हुए हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे। हम तो यही कहेंगे जी, जो कंपनी है 503, प्रभु 503 कंपनी है, उन्हीं का उपयोग करें। प्रभु 503 ही लगाएं आगे हाँ से। जी जी हाँ और हमारे प्रगति बीज भंडार से भैया हैं पान सिंह भैया, थोड़ा सा इनसे ही पूछते हैं गेहूँ के बारे में। पान सिंह भैया बताना, ये गेहूँ कैसा लग रहा है आपको थोड़ा सा। गेहूँ, ये प्रभु 503 की वैरायटी है। 503 वैरायटी अच्छी वैरायटी है, और एक तो ये वैरायटी गिरती नहीं है, मतलब जैसे हवा तेज वेज चले तो ये गिरेगी नहीं, और इसकी हाइट मिनिमम रहती है, ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ती ये। और इस कंपनी की प्रभु गोपाल सीड की एक वैरायटी रहती है 511, वो थोड़ा इससे हाइट ज़्यादा रहती है और अच्छी वैरायटी निकलती है। और कुछ दो वैरायटी और आने वाली हैं आने वाले समय में, वो भी आपको मिलेंगी, वो भी थोड़ा एक दो बैग लगा के देखना, उनका भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो हम तो सभी किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आपको जो प्रभु 503 हमने दी है, इससे भी अगले आने वाले समय में हम आपको 514 और 530 करके दो वैरायटी और देंगे, और इनसे भी प्रोडक्शन जो आपको दिख रहा है अन्य के से इसमें ज़्यादा निकलेगा, और इससे भी आगे आने वाले समय में आपको कम से कम 5-6 मन प्रति बीघा का उत्पादन ज़्यादा देने की वैरायटी हम दे रहे हैं आपको। ठीक है हमारे सर, पास 511 है, 503 है, आगे आने वाले समय में 514 रहेगी, 530 करके रहेगी, तो चार वैरायटी आपके बीच में रहेंगी। और ऑल इंडिया में 2 साल के अंदर प्रभु गोपाल एग्री प्रोडक्ट्स जो कंपनियों किसानों के बीच जी हाँ, जागरूकता लाए हैं और जो अपनी डिमांड बनाई है, तो उस कंपनी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं हम कि इतनी अच्छी वैरायटी निकाली कंपनी ने और अपना किसानों के बीच में इतनी अच्छी छाप छोड़ी। बढ़िया है सर। जो संतुष्ट हो वैरायटी नहीं, से, आपकी वैरायटी संतुष्ट है सर, बढ़िया वैरायटी बढ़िया है, वैरायटी है, बगल में जो और वैरायटी लगी है उनसे बेहतरीन होना नहीं, चाहिए। बहुत उनसे बहुत फ़र्क है हमारी वैरायटी। अच्छा फर्क है ना। हाँ मेन तो देखो किसान संतुष्ट होना चाहिए, किसान के घर में उत्पादन आना चाहिए, सही है, सबसे बड़ी बात सही खासियत कहा यही सर, है, अच्छा तो लगे क्योंकि लगा पास गया वाले जो खेत मुझे लगे हुए हैं और अपना खेत जो लगा हुआ है बहुत डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो फिर थोड़ा सा सम्मान है जाए। नहीं खुद दिक्कत नहीं है। तो आइए भाई किसान भाइयों, अपन भैया का, पुनीत भैया का सम्मान करते हैं। ये हमारे प्रगति बीज भंडार से पान सिंह भैया हैं, थोड़ा सा एक सम्मान के रूप में एक कार्यक्रम रखा गया संगोष्ठी। तारी बजा दे। अरे बढ़िया, डाल दें ये हमारे पुनीत क्लास। भैया हैं, इन्होंने गेहूं लगाया, लोगों को जागरूक किया, दिखाया कि प्रभु 503 है क्या चीज़। अच्छी वैरायटी है। तो इसलिए अपन तो आगे कहना चाहेंगे कि आगे प्रभु की बहुत सारी चीज़ आती हैं और अच्छी आती हैं, आप चरी ले लो, गेहूं ले लो, और धान सबसे नंबर वन धान आती है, 1692 है, 1509 है, 1718 है। देखो साहब, हम तो आप अगर अगली साल आपके भी उपयोग करेंगे प्रभु अब सीड वही वाले से कंपनी से। और लोगों को बताओ, थोड़ा सा जागरूक करो अपने गांव में भी, रिश्तेदारों को भी। पान सिंह भाई साहब लाकर देवम बीज बनाया, नहीं किसान है बढ़िया तो बीज, मेरा नहीं बढ़िया बीज पान मिलेगा सिंह और भाई की, अच्छी आपको वैरायटी डायरेक्ट मिलेगी। कंपनी से माल आएगा कम मिलेगा आपको, और ठीक है तो सब लाएंगे हम, ऐसी बात नहीं कोई है। डायरेक्ट कंपनी तो पहुंचागी नहीं, ये हाँ रिलेटिव हाँ है जो हाँ पहुंचाएंगे जहाँ तक किसान बस क्या ही बस। जानता है कंपनी का। और देखो मैं आज पहले पान सिंह से मिला, आप लोगों से मिला, तो ऐसे ही नहीं, लोगों के संबंध आपका बढ़ते हैं अपन स्वागत लोगों है के। सर हमारे भाई यहाँ। साहब मिला हो फिर, उसकी बाली अच्छी है, गेहूँ की बहुत अच्छा है, इसकी बाली अच्छी है और गिरता नहीं और मीडियम बड़ा है। अच्छी लगी। एक तो इसकी बाली बड़ी है, दाना भी मोटा है इसका, और ज़्यादा लोटता भी नहीं है, बड़ा भी मीडियम है। हाँ इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, और दाना भी मोटा है और लूटता नहीं है, फिर बढ़िया है। लक्का कैसे अच्छी लगी जाओ। इसकी बाली अच्छी है और सब खेतों से अच्छा गेहूँ है इसमें,
बाल में भी दाने अच्छे हैं, 70-75 निकलेंगे और सब अच्छा लुढ़ता नहीं है। इसमें हमें सबसे अच्छा है, बाल अच्छी लगी, गेहूँ भी अच्छा है, इसका दाना भी मोटा है और सबके तो आसपास के सबसे बढ़िया है। क्या खासियत अच्छी लगी जामे एक जी? देखिए मैं तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, जो प्रभु 503 गेहूँ की वैरायटी है उसी का उपयोग करें, क्योंकि इसकी अच्छी वैरायटी है और इसका पैदावार भी सही है, देख रेख भी इसकी सही है, गिरता नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ। गेहूँ में का अच्छा लगा तुम्हें? गेहूँ में गेहूँ की बांध सज जाए वो समय नहीं का सारे पर वो कम पर है, वो इसमें वैरायटी ऐसी है जो मतलब गिरती नहीं है, थोड़ी हाइट वाली है। जे तो किसान बड़े बड़े है और बड़े बड़े जमीन निभारे छोटे बारे को जमीन को कुछ कछु बीज कुछ कंसेशन होना चाहिए, तो देख बड़ाई कर रहे थे थोड़ी पान सिंह भाई साहब की और जिनने ऐसा भी बीज लाए भदरौली ग्राम भदरौली में अच्छा चौला आवे गए तो थे कि बड़ाई कर रहे थे थोड़ी हम तो जिनते अच्छा काम है जिन्हें का सम्मान में कसर राख ली।